एक्शन विद एसिड्स, इसका मतलब जानते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड हुआ इसका मतलब। तो इसका मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो मेटल्स यूजुअल डिस्प्लेसेस, हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ओनली द लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर है आपका नाते को तेजस्वी, सिल्वर एंड गोल्ड विच इज बिलो देन द हाइड्रोजन आपका नाते को तेजस्वी डू नॉट दिस इज अ रिप्लेस या डिस्प्लेस डू नॉट डिस्प्लेस लीजिएगा, ये हाइड्रोजन को आप डिस्प्लेस नहीं करते हैं फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। अब सिंपल सवाल, अब आप आ जाइए कि नाउ द मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड सो फर्स्ट इट विल मेक अ मेटल सॉल्ट ऑफ प्लस हाइड्रोजन गैस ये डिस्प्लेस कर देगा। ऑल द मेटल्स हाउएवर Do not react with your, सारे नहीं करते आपका नाम ये आपका नाम दिस इज जो मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मेटल, अब आपका अब इसमें ए मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, इसका मतलब फर्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज में इसको देख लीजिए आपका नाम तो व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स वायलेंटली विथ डाइल्यूट एचसीएल इट मेक्स द सोडियम क्लोराइड एंड इट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन गैस। अब ये बैलेंस है या नहीं है तो ये आपको देखना पड़ेगा, तो पहले ट्वाइस आपका देखो ये ट्वाइस हो गया, इसीलिए ये आपका टू यहां लग जाएगा आपका देखो ना, इसमें मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए सॉलिड ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस एरो लग गया तो ये गैस गैस हो गया। तो इन दिस रिएक्शन सो सोडियम मेटल इज आपका नाम वेरी रिएक्टिव, वैसे भी इट इज द फर्स्ट टू आपका नाम द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आपका नाम इन ए रिएक्टिवली सीरीज आपका नाम। इसके बाद सेकेंड आप कर सकते हैं आपका नाम देखो दिस इज द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एम जी मैग्नीशियम रिएक्ट्स क्वाइटली रेपिडली भी आपका क्वाइट रेपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाउ एचसीएल के साथ रिएक्ट हो गया ये बना देगा एम जी सी एल टू बनेगा, इसमें होता है यहां बैलेंस करो यहां बैलेंस करो आपका नाम एम जी सी एल टू ना यहां बैलेंस होने की जरूरत नहीं, तो सॉलिड ये आपका एक्वस ये आपका एक्वस सी एल टू निकल गया इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी आपका कहते हैं याद रखिएगा। अगर पुराना आपका तो इन दिस रिएक्शन द मैग्नीशियम विद डाइल्यूट आपका एचसीएल इज लेस आपका इज लेस विग्रियस देन दैट ऑफ सोडियम और पोटेशियम आपका होगा क्या, तो मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, क्लियर हो गया सर। इसके बाद था अब आइए आपका एल्युमिनियम मेटल और रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए अपन, मैंने क्या कहा था अब याद करिएगा ये दोनों आपका फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर हैं, ये दोनों आपका
सेकेंड ए ग्रुप का मिल गया, ये दिस इज द थर्ड ए, या इसको 13th ए कहते हैं। ये क्लियर होना आपको बहुत जरूरी है। तो एल्यूमिनियम मेटल इज फर्स्ट रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट HCl, इसके साथ ये स्लोली आपका करता है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि इसके ऊपर टफ आपका प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आपका कोट होती है इसके सरफेस में। बट व्हेन द थिन आउटर जो आपका ऑक्साइड गेट को इसको वो एसिड के साथ डिसॉल्व हो जाएगी, तो उसके बाद देन फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सपोज विच रिएक्ट रेपिडली विद डाइल्यूट HCl आपका नाम एंड इट विल मीन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम दिस इज क्लोराइड। ये आपका यहां हो गया, इसका मतलब ये 6 हो गया, ये आपका नाम देखो दिस ये 2 हो गया, तो नाम ये सब ये 2 थ्री इज 6 हो गया और प्लस थ्राइस H2 ये आपका दिस इज, इसको भी आपका ये सॉलिड हो गया, ये आपका एक्वस हो गया, ये भी आपका एक्वस बनेगा और गैस तो आपकी बन जाएगी। इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम विद डाइल्यूट HCl इज लेस रैपिड देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि इन रिएक्टिविटी सीरीज एल्यूमिनियम इज लेस देन द मैग्नीशियम आपका हो गया। अगर आप देखेंगे ऐसे नेक्स्ट अब भाई जेडिन जिंक जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एस सल्फ्यूरिक एसिड बैलेंस तो हम बात को करते हैं ना, तो क्या बनाएगा पहले जेडन सीएल जिंक क्लोराइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस को आपका डिस्प्लेस करेगा, तो जेडन सीएल इसका मतलब ये दिस इज ये आपका एस हो गया, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन हो गया, इसको भी अगर आपका एक्वस सॉल्यूशन इन दिस रिएक्शन जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से नीचे तो ये आपको क्लियर होना चाहिए सर। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप करेंगे आयरन रिएक्ट स्लोली स्लोली विद कोल्ड डाइल्यूट, ये जो होता है कोल्ड डाइल्यूट आपका नाम दिस HCl होता है सर आपका नाम, तो ये क्या बना देगा आपका क्या बनाएगा आयरन सेकेंड क्लोराइड जिसको आपका FeCl ओके ना FeCl, तो दिस इज द आयरन सेकेंड क्लोराइड और प्लस H2 तो बैलेंस कर दीजिएगा 2 हो गया, तो ये क्या है सॉलिड, ये क्या है एक्वस सॉलिड, ये भी क्या बन जाएगा एक्वस सॉलिड। तो दिस शोज दैट आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक आपका नाम आयरन। देखो कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटीस जब फटीस पुरानी हो गई कहीं पे है तो तुरंत उसको एक्सपोज कर लिया। और कॉपर कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपका नाम देखो दिस इज एट ऑल, क्योंकि इट शोज कि कॉपर क्योंकि आपका लेस रिएक्टिव अपन देन आयरन है और वैसे भी हाइड्रोजन से नीचे आपका नाम दिस इज डू इट सर। इसी में देखो ये तो मेटल का था आपका मेटल का इसी में दूसरी चीज भी आपकी आती है कि ना द मेटल ऑक्साइड आपका नाम देखो दिस इज रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स के आपका देखो तो ये क्या करेगा टू फॉर्म क्या बनाएगा करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। ये आपका एंड विद वाटर ये मेटल था ये मेटल ऑक्साइड है यार भाई एक्शन विद एसिड ही है लेकिन यहाँ पर सिंगल मेटल का यहाँ मेटल ऑक्साइड आपका नाम बता कैल्शियम ऑक्साइड जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपका रिएक्ट किया ना तो ये आपका क्या बन जाएगा CaCl2 ये बना देगा और आपका नाम H2O वाटर आपका नाम दिस इज द सॉल्ट। अब ये बैलेंस नहीं हुआ
बैलेंस अभी आपको करना है, तो सी ए सी एल हाइड्रोजन भी टू है आपका, देखो हाइड्रोजन भी टू आ गया, एक ऑक्सीजन आपका आ गया, सी ए सिंगल है, सी ए सिंगल है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट आपका ना, दैट्स नोन एज आपका बैलेंस इक्वेशन आपका। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये अगर मोर इन्फॉर्मेटिव आपको बनाना है ये लिखना पड़ेगा एस सॉलिड। ये आपका क्या, व्हाट इज दिस, ये आपका एक्वस, एक्वस पानी के साथ जब आपका मिला देते हैं आप डिजॉल्व कर देते हैं तो ये भी क्या बनेगा, एक्वस सॉलिड, और ये अपने आप में लिक्विड से बनता है। दूसरा रिएक्शन क्या है, मेटल ऑक्साइड एम जी ओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब एस सी एल के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो ये भी आपका क्या बनाएगा, एम जी सी एल टू और प्लस आपका डाल एच टू वाटर, ये भी दिस इज ऑल्सो सॉलिड, ये भी आपका एक्वस, ये भी आपका एक्वस, और ये आपका लिक्विड, ये मोर इंफॉर्मेटिव आपको बनाना है। थर्ड ए एल टू ओ थ्री एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब अपना देखो जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस के साथ अपना, और ये आपका क्या होगा, सॉलिड होगा, तो ये आपका क्या बना गया, ट्वाइस ए एल सी एल थ्री एल्यूमिनियम क्लोराइड अपना नाम जैसे एक्वस सॉल्यूशन, और प्लस अपना नाम देखो जैसे छः थ्री एच टू, तो मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड इट मेक्स अ, ये जितने भी आप देख रहे हैं दीज ऑल आर नोन एज द सॉल्ट्स, ये सब आपके सॉल्ट्स हैं, एंड इट इज दीज ऑल आर आल्सो रिलीजिंग द वाटर अपन इस इन फॉर्म जिंक ऑक्साइड व्हेन इट विल रिएक्ट विद आपका देखो ना जैसे, तो ये भी आपका क्या होगा सॉलिड, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन, तो अपन ये क्या बना देगा Zn Zn Cl2, इसका मतलब अपन आर ब्रदर्स सर ये ट्वाइस होना चाहिए प्लस एच टू, तो जेड एन सी एल टू का मतलब दिस इज ऑल्सो एक्वस वाटर। इसका मतलब द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड्स एज दे reacts with water to form bases, also they reacts with dilute acids to form salts। ये देखिए ये आपका स्पेशल नोट्स आपका डाल दिया, और एम्फोटिक का मैंने इससे पहले आपको बताई दिया, क्लियर हो गया एम्फोटिक, तो ये आपका ना एक्शन विद एसिड्स में दो, मेटल ऑक्साइड जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है और मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ आपका रिएक्ट करता है। इसमें भी अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहते मेटल ऑक्साइड जब आपका एसिड ये डाइल्यूट ही है के साथ आपका रिएक्ट करेगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर इट विल मेक शॉर्ट एंड इट विल रिलीज द वाटर। दिस इज द फॉर्मूला जिसके बिहाफ पे वी हैव टू वर्क, डू इट्स अप।